तौर पर मुझे हजारों दिव्यांगजनों और बुजुर्गों वरिष्ठ जनों के सेवा करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। थोड़ी देर पहले यहां करीब 27,000 साथियों को उपकरण दिए गए हैं। किसी को ट्राइसिकल मिली है, किसी को सुनने की मशीन मिली है, किसी को व्हीलचेयर मिली है। मुझे बताया गया है कि यहां इस सामाजिक अधिकारिता शिविर में अनेक रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में कुछ मदद करेंगे और मैं मानता हूं कि उपकरण आपके बुलंद हौसलों के सहयोगी भर है। आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है, आपका सामर्थ्य है, आपका मानस है। आपने हर चुनौती को चुनौती दी है, आपने मुश्किलों को मात कर दिया है। आपका जीवन अगर कोई बारीकी से देखे तो हर पल, हर डगर हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं आज आप सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। यानी सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर दिव्यांग जनों की तकलीफों को जिस तरह इस सरकार ने समझा है, उनके लिए जिस संवेदनशीलता से काम किया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। आप भी याद करिए, मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों में हफ्तों तक चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी। आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जिस गंभीरता से सुनी जानी चाहिए थी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। दिव्यांग भाई बहनों को बेसहारा छोड़ देने वाली पहले की स्थिति हमें स्वीकार नहीं थी। हमने आपके साथी बनकर
सेवक बनकर आपकी एक एक दिक्कतों के बारे में सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। साथियों, पहले की सरकारों के समय इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के भी शायद नहीं होते थे। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग अलग इलाकों में करीब 9000 कैंप लगाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकार के 5 साल में जहां दिव्यांग जनों को 380 करोड़ से भी कम के उपकरण बांटे गए, वहीं हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण बांटे, यानी करीब करीब 2.5 गुना। जब गरीब के लिए, दिव्यांग के लिए मन में पीड़ा होती है, सेवा का भाव होता है, तब इस तरह की गति आती है, तब इतनी तेजी से काम होता है। साथियों, आप वो समय भी याद करिए जब सरकारी इमारतों में जाने के लिए बस स्टैंड, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, हर जगह जाने में आपको दिक्कत होती थी। कुछ जगहों पर अलग रैंप बन जाता था, बाकी जगहों पर बहुत मुश्किल होती थी। ये हमारी ही सरकार है जिसने सुगम्य भारत अभियान चलाकर देश भर की बड़ी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने का संकल्प किया। बीते 4-5 वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतें, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाई जा चुकी है। जो बची हुई है उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो नई इमारतें बन रही हैं, ये रेलवे के नए कोच हैं, उनमें पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है कि वो आपके लिए, दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हो। भाइयों और बहनों, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग अलग भाषा होने की वजह से भी मेरे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। पहले ये सभी सोचा ही नहीं गया कि दिव्यांगों के लिए भी एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए भी प्रयास हमारी ही सरकार ने शुरू किया। देश भर के सभी दिव्यांगों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अभी आज मेरे भाषण के साथ साथ यहां पर मंच पे हमारे दिव्यांग जनों के लिए साइन के द्वारा भाषण बताया जा रहा है। पहले स्थिति यह थी कि एकाध राज्य के बच्चे ये समझ पाते थे, अब ये नई व्यवस्था के कारण तमिलनाडु का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा, कश्मीर का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा। अब ये काम भी 70 साल तक करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब दिव्यांग के प्रति संवेदना हो, हिंदुस्तान के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को
और मजबूत करने का इरादा हो तब जाकर के ऐसे काम होते हैं। और अब इस सेंटर ने करीब 6000 कॉमन शब्दों की एक डिक्शनरी तैयार भी कर ली। यदि आने वाले समय में अगर प्रयागराज से मेरा कोई दिव्यांग साथी अगर चेन्नई में जाएगा या पश्चिम बंगाल जाएगा तो उसको भाषा की उतनी परेशानी नहीं होगी। यही नहीं, करीब 400 से अधिक सरकारी वेबसाइट्स को और हमारी जो करेंसी है, सिक्के हो या हमारी नोट हो, उसको भी हमारे दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया गया है। वो आसानी से तय कर सकता है 1 रुपये की नोट है, 5 रुपये की नोट है, 500 की नोट है, 200 की नोट है, वो आराम से तय कर सकता है। सिक्के का विषय में भी उसको हाथ लगा करके ही वो तय कर सकता है कि सिक्का कौन सा है। और अब तो आप भी देख रहे होंगे कि प्राइवेट टीवी चैनल भी दिव्यांगों के हिसाब से खबरें दिखाने लगे हैं, कार्यक्रम दिखाने लगे हैं। मैं इन सभी टीवी चैनलों को जिन्होंने हमारे दिव्यांग जनों के लिए ये समाचार सुविधा की है उनको बधाई देता हूं। दूरदर्शन के लोग अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांग जनों की चिंता की है। लेकिन अब देश की कई टीवी चैनल दिव्यांग जनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेजिस के द्वारा खबरें दिखाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चैनल भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया है, फैसले लिए हैं, उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से ऐसे विषयों पर लोगों का ध्यान कम जाता है। प्रयागराज तो इंसाफ की भी नगरी है, न्याय की नगरी है। सामान्य जन के अधिकारों की रक्षा के लिए हजारों लोग यहां दिन रात काम करते हैं। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने पहली बार दिव्यांग जनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया। इस कानून का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो 7 अलग अलग तरह की कैटेगरी होती थी उसे बढ़ाकर अब 21 कैटेगरी कर दिया गया। इतना उसका विस्तार किया गया, यानी हमने इसका दायरा बढ़ा दिया। इसके अलावा दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया। साथियों, ये भी हमारी ही सरकार ने, जिसने न सिर्फ दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए बल्कि सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण बढ़ाकर दिव्यांग जनों के लिए 3% से बढ़ाकर के अब 4% कर दिया है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए भी उनका आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अपने दिव्यांग साथियों का कौशल विकास भी हमारी प्राथमिकता रही है। सरकार ने 2 लाख साथियों को स्किल ट्रेनिंग दी है और अब 5 लाख दिव्यांग साथियों को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। भाइयों और बहनों,
नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे की उचित भागीदारी बहुत आवश्यक है। चाहे वो उद्योग हो, सेवा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, दिव्यांगों के कौशल को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी दिव्यांगों से जुड़ी खेल स्पर्धाएं हुई हैं, उनमें भारत का प्रदर्शन हमारे दिव्यांग साथियों ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी मजबूत संकल्प शक्ति होगी, तब जाके दुनिया के मैदान में भी मेरे देश के दिव्यांग जन भारत का तिरंगा फहरा करके आते हैं। दिव्यांगों के इस कौशल को और निखारने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्पोर्ट सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस सेंटर में ट्रेनिंग, सिलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, मेडिकल सुविधाएं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जो भी तैयारियां चाहिए उनकी सुविधा हमारे दिव्यांग जनों को यहां दी जाएगी। साथियों, हमारे देश में 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं।